What is life? Previous module में हमने biologically inspired computation की बात की थी to understand in a better way about the biologically inspired computation. We must have to understand somewhat about biological organisms, and before going into the details of the biological organisms, we must have to understand about life. So, what is life basically? सबसे पहले ये एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि लाइफ क्या चीज़ है, क्योंकि नेचर के अंदर जब हम लाइफ की बात करते हैं तो एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे उस थ्रेशोल्ड से पीछे लाइफ नहीं होती, बट उस थ्रेशोल्ड को जैसे पास ऑन किया जाता है सो देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइफ इज एंड व्हाट डज इट मीन, तो सबसे पहले हमने इसको हाईलाइट करना है. लाइफ की डेफिनेशन को करना, शायद इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ इन अ सिस्टमैटिक वे और मोर साइंटिफिकली. अभी तक शायद कोई भी इसको बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं कर सका. वन इंटरेस्टिंग कोट ऑफ थॉमस मैन इज प्रेजेंट हियर फॉर एन एग्जांपल, एंड अकॉर्डिंग टू थॉमस मैन 1924 में उसका कोट मौजूद है, गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है. नो वन न्यू लाइफ, किसी को भी नहीं पता लाइफ बेसिकली क्या चीज़ है. सम डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू दियर ओन वे, अदर्स डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू दियर ओन वे, सम इवन कैनॉट डिफाइन इट, बट दैट दे जस्ट डिस्टिंग्विश इट थ्रू सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर काउंटर पार्ट्स, थ्रू सम प्रॉपर्टीज, बाई इंश्योरिंग सम प्रॉपर्टीज. इफ दोज प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड अ लिविंग सिस्टम, एंड इफ those properties are not fully to be obeyed, then that system will be called a non-living system. So we are just going to highlight those complexities and those definitions which are being made by different researchers. Life, according to some others, it is a general condition of living. It is a general condition that distinguishes living organisms from non-living matter, from dead organisms. Means के ये एक ऐसा condition है life जो living organisms को dead bodies से या non living matter से distinguish करता है. So that condition is basically life, और ये condition जो है इसको fulfill किया जाता है through some properties. For example, growth एक property है जो living organism को non living से अलग कर देता है. Metabolism, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की थ्रू हो रही है, सो मेटाबॉलिज्म इज अनदर प्रॉपर्टी विच कैन डिस्टिंग्विश द स्टेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. और रिप्रोडक्शन इज अ पैरामीटर विच कैन डिस्टिंग्विश लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग. सो दिस इज बेसिकली अ कंडीशन विच डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग एंड डेड बॉडीज. बट लाइफ को कुछ और भी वर्डिंग्स में डिफाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सम अदर्स. सो सम स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उनके मुताबिक जो है लाइफ कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्स एज अ जनरल यूनिवर्सल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस का एक जनरल यूनिवर्सल कंडीशन है. दिस इज ऑल्सो अ गुड डिफिनीशन, एंड ये डिफिनीशन जो है ये भी लाइफ को काफ़ी हद तक डिफाइन कर पा रही है, बट स्टिल दिस डिफिनीशन हैज सम लिमिटेशन. सो अकॉर्डिंग टू अदर्स इट इज एनी स्पेसिफाइड period of animated existence. Animated existence means के ये जो भी life universe में है, this is a sort of animations of the existence of the organism. So उनके मुताबिक जो है this is a specified period of animated existence. क्योंकि specified period इसलिए है क्योंकि हर एक organism की life जो है that is for a certain specified period of time. That's why this definition के अंदर स्पेसिफाइड पीरियड का जिक्र किया गया. और इट इज़ द पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्टिविटी, इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग एनिमेटेड, इन एनिमेट एस अ मशीन, लीज और प्ले. ये भी काफ़ी हद तक लाइफ को मैप कर सकता है, बट स्टिल विल हैव सम लिमिटेशंस. और टू अदर्स इट्स एन एनिमेशन, लाइवलीनेस, और इट कैन ऑल्सो बी सेड टू द स्पिरिट. सो these are some of the definitions about life, about what is life. But jitni bhi humne definitions kiye, iske alawa aur bhi
लाइफ के डेफिनेशंस किए जा सकते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक फिनोमेना है कि इसको पूरी तरह एक लाइन या दो लाइन के डेफिनेशन में इसको मैप करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब जितनी भी हमने प्रीवियस डेफिनेशंस किए लाइफ के बारे में, अगर उनको हम सम अप करें, उनको हम कंक्लूड करें, सो दोज डेफिनेशन बेसिकली फॉल्स इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी उसमें है कि लाइफ एस एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ये एक कैटेगरी की डेफिनेशन जो है, जो डेफिनेशन जितनी भी हुए उसमें एक कैटेगरी डेफिनेशन जो है, मतलब कि कुछ डेफिनेशन वो इसी कैटेगरी में लाई करे कि वो लाइफ को जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर रही है। दूसरी कैटेगरी है लाइफ एज अ सर्टन काइंड ऑफ एनिमेटेड बिहेवियर, जो डेफिनेशन हमने की उसमें कुछ डेफिनेशन में लाइफ को एज एन एनिमेटेड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिगार्ड कर दिया गया। तो दूसरी कैटेगरी में डेफिनेशन जो है वो एज अ सर्टन काइंड ऑफ एनिमेटेड बिहेवियर की कैटेगरी में लाई कर रही है। तीसरी कैटेगरी जो डेफिनेशन की बनती है वो ये बनती है कि लाइफ एज अ स्पेशल इनकमेंशनेबल क्वालिटी, मीन्स वाइटलिज्म की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि लाइफ जो है दिस इज सम वॉट अबाउट वाइटलिज्म, कि एवरी थिंग जो है वो पहले से डिफाइंड है लाइफ के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है दिस इज प्री डिफाइंड अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, तो वाइटलिज्म की तरफ वो इशारा कर, वाइटलिज्म के ऊपर वो बेस कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन एक कैटेगरी में हमने जो डेफिनेशन जो है जो लाइफ को ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वेदर लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल डिजाइन, इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस विच परटेंस टू सम मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर लाइफ इस तरह ऑर्गेनाइज है, इंटेलिजेंट है, तो उसके जो परसूट्स है दे पॉइंट टूवर्ड सम मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, तो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज को फंडामेंटल साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो उसको ओबे नहीं करते, और अगर कोई चीज़ फंडामेंटल बेसिक साइंस के प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं कर रही, सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम, हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, और हम अगर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, सॉरी। सो जो मेटाफिजिकल डायमेंशन में चीज़ें जा रही है हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो नॉन मेटाफिजिकल है हम लाइफ की उस डायमेंशन में स्टडी करेंगे, और लाइफ को नॉन मेटाफिजिकल डायमेंशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे उसमें हम फर्दर भी इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे लाइफ के बारे में, और लाइफ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल से फर्दर भी डिस्कस करेंगे टू हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट लाइफ इज़।